हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। कैसे हैं आप सब? होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज विष्णु जी का दिन है, आप सबके लिए अच्छा दिन आप लोगों का अच्छा हो। मैं आज जल्दी जल्दी, मेरा सारा काम हो गया है तो अभी मैं ज़मीन पे बैठ करके सब्जी काट रही हूँ। तो मैं क्या बना रही हूँ इसका फुल रेसिपी का वीडियो आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं लेकिन शॉर्ट वर्सन में, ठीक है, फुल वर्सन में नहीं, उतना टाइम नहीं होता मेरे पास में। मैं क्या बना रही हूँ आज दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा करके, ठीक है। आप लोग देखो देखो ये लाल साग है, इसका आज मैं किस तरह से बनाऊँगी पूरा आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग मेरे को बोल सोचते होगे लाल साग दीदी की तक आती है, एक्चुअली इस टाइम पे ये सब साग मिलता है। और आप लोग भाजी बोलते हो ना, हाँ, तो ये जो साग हमारे यहाँ साग बोलते हैं, मतलब झारखंड में, तो साग जो होता है ना उसको खाना चाहिए, चाहे कितने दिन कितने बार रिपीटेड वो मत देखो। खाने से क्या शरीर में, हम तो ऐसी मट्टी खा के अपना शरीर कमज़ोर कर लिए। एटलीस्ट ये जो चीज़ पसंद है ये क्या ब्लड बनाता है, ठीक है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। बस इसको बनाने का तरीका होना चाहिए, तब जाके ये इसके ये जो भी साग भाजी होती है ना उसके अंदर टेस्ट आता है। एक ये भाजी वाली सब्जी हो गई, ये तो सूखा सूखा बनेगा, ठीक है। और एक ये जिसको बोलते हैं डांठा साग, डांठा, ये डांठा जो दिख रहा है ना आपको, ये तो मैं सलाद वलाद के लिए अभी से फ्रिज से निकाल के रखी हूँ। इधर मिर्चा टमाटर ली हूँ और इसमें आलू प्याज सब डाल के काटूँगी। तो ये जो होता है ना डांठा, ये डांठा पोस्तों से बनता है, सरसों और पोस्तों की का मसाला से बनता है, ठीक है। ये खाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। ये भी वही है, बनाने के ऊपर निर्भर है कैसे बनाते हो। एक्चुअली ये आप लोगों को ज़्यादा उड़ीसा में और बंगाल और झारखंड, ये तीन जगह में ये सब डिशेस खाने को आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप लोग कितने जगह से बिलोंग करते हो, हरियाणा से, दिल्ली से, मथुरा से, कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का हर जगह का डिशेस अलग अलग होता है ना। तो ये हमारे इधर का डिशेस है, ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी खैर ये मिलता है। तो इसको बनाने का तरीका होता है, बहुत लोग ऐसे ही बना देते हैं इसको, लेकिन इसको अगर आप सरसों पोस्तों देके बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आफ्टर ऑल खाना बन गया, अब जाके जो है नाश्ता कर रहे हैं। 11:30 बजे, ये देखिए दूध है, चलो। पहले बहुत ज़्यादा जब ऑफिस जाते थे ना तो बहुत ज़्यादा खाते थे, आजकल नहीं खा पाते। और ये एक्चुअली ये खाना चाहिए, अच्छा होता है। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ। कुरमुर चावल चढ़ा हुआ है, खाना बन गया मेरा, तो दुकान की तैयारी करना है। चलिए नाश्ता करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये मेरा खाना तैयार है, मैं क्या क्या ली हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये दाल, डांठा की सब्जी, लाल साग, खीरा, छिलका बगैर निकाले। तो ये मैं खाना खाती हूँ, इसका खाने का ब्लॉग मेरे उस चैनल पे आ जाएगा। और जो ये मैं आइटम बनाई हूँ मतलब साग और ये, इसका भी मैंने रेसिपी वीडियो डाला है, ठीक है, थोड़ा बैक नॉइज होगा तो उसको भी आप लोग देख लेना। अगर वीडियो पसंद आती है मेरी किसी भी चैनल की तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। तो क्रंच नहीं, थोड़ा ये सब चीज़ को भी ध्यान देना, ठीक है। चलिए हम लोग खाते हैं खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं नहा धो ली हूँ, सारा काम मेरा हो गया है, बस अब किचन का काम करना है, मतलब नाश्ता पानी खाना पीना यही सब करना है। हाय कोई मेरे को करके दे देता मैं बैठ के खाती, क्या ही बोलूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाने वाली नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन पता नहीं खाना कैसे बनाएगी, धोया धोई, इसीलिए नहीं रखती किसी को। हो गया मेरा सब कुछ, अब नहा धो ली हूँ, बाल को मोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे को किचन में बाल खुला करके काम करने का आदत शुरू से नहीं है, क्या बाल बाल झड़ता है ना, खाने वाने में आएगा इसलिए। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ देखिए, मैं बनाऊँगी मशरूम की सब्जी बनाऊँगी, और साथ में है पालक साग, ठीक है, पालक साग बनाऊँगी और फिर पराठा बनाऊँगी, ठीक है। तो ये नाश्ता भी करूँगी, करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा शॉर्ट्स बना लूँगी,
ऐसे ही करके टाइम निकाल निकाल के अपना करती हूँ जैसे भी करके। तो चलिए मैं नाश्ता स्टार्ट करती हूँ बनाना। अगर मैं इसको बना रही होंगी तो अगर होगा तो इसकी वीडियो डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आज का अपना काम, और आप लोग भी मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। मैं ऐसे करके भी बना सकती थी लेकिन मैं सीधा करके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं तो खाना बना रही हूँ। आज मैं खाना बनाने का वीडियो नहीं दिखा पाई। मेरा पालक साग रेडी हो गया है और अभी मैं बनाऊँगी मशरूम, ठीक है। तो मशरूम का सब्जी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बनाना था रणवीर को। वो बनाना चाहता है। आप लोगों को बाहर में जो खाना बजने का आवाज़ आ रहा ना, अभी हम पता किए गुड्डा गुड़िया का शादी हो रहा है। इधर गुड़िया का मंडप सजा है, उस तरफ गुड्डा का मंडप सजा है। होगा तो मैं ऊपर से छोटा सा दिखा पाऊंगी वीडियो, ठीक है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और मस्त खाना वाना बन रहा है, सब्जी वब्जी कटा रहा था वहाँ बैठ के। यहाँ गुड्डा का मंडप है, वहाँ गुड़िया का मंडप है। लड़की वाले, ये छत्तीसगढ़ी समाज वाले लोगों का शायद होता है ऐसे कुछ। मशीन चलाई हूँ कपड़ा का, पटाख से मशरूम बनाऊँगी, उसके बाद थोड़ा रील्स बना लूँगी, वीडियो बना लूँगी, एडिट वगैरह कर दूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। आने लगा नहीं। और मेरा आदत है ना, जब भी खाना बनाऊँ हाथ पैर जला करके खाना पकाऊँ। यहाँ से कितना अच्छा हवा आ रहा है, देख रहे हो। तो सबसे पहले इसमें मैं जितना भी प्याज था, मैं ज़्यादा से प्याज नहीं हूँ, देखती हूँ देखिए मैं कितना सा प्याज है, उसको डाल देती हूँ। उसको थोड़ा सा अच्छे से पहले लाल करके भूनती हूँ, ठीक है। सारा काम अभी इतना सारा पराठा बनाई, मतलब नहा धो करके, नहाने का पहले भी काम, नहाने के बाद में फिर पराठा वराठा बनाई, फिर नाश्ता वास्ता किए। बहुत भूख लग रहा था, नाश्ता करिए। करने के बाद में फिर बर्तन सब जितना नाश्ता का था सारा धोए। धोने के बाद में थोड़ा सा हाथ से कपड़ा को रगड़े, जो वर्ल्ड वगैरह छूट नहीं रहा वही वाला। मशीन चलाएं, फिर बाहर में दुकान का कपड़ा सब जो सुखाते हैं वो जाके समेटे, फिर आ करके साग हो गया था, फिर ये मशरूम बना रहे हैं। उसके बाद अभी थोड़ा सा एक आध घंटा रेस्ट मिलेगा, फिर 2 बजे से फिर से दुकान का काम। इतना ज़्यादा हालत ख़राब, मतलब थोड़ा बैठ के मोबाइल चला के आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देने का भी मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो दे ही देती हूँ जब भी टाइम मिलता है, ठीक है। इसको थोड़ा लाल कर देती हूँ, उसके बाद मैं मसाला डालती हूँ। ये तो लाल हो गया प्याज, अब मैं डाल रही हूँ ये मसाला। इसमें ना नारियल भी साथ में पीसा हुआ है, ठीक है। लहसुन अदरक तो मैं नहीं खाती, लहसुन मिर्चा प्याज तो है ही, साथ में नारियल का भी इसमें ये है, थोड़ा हल्का गर्म मसाला। और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा से टमाटर दे रही हूँ ताकि इसका टमाटरी वाला फ्लेवर आए। और क्या है ना, ज़्यादा टमाटर के साथ मशरूम बनाने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक साथ ही मैं डालती हूँ। आप लोग मसाला पहले भूनते हो या फिर मसाला में सब एक साथ डाल देते हो? जैसे कि मैं इसमें सब एक साथ डाल दूँगी। ये मैं थोड़ा सा हल्दी, रोटी बना ली हूँ, चावल मेरा रखा हुआ है, माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी क्योंकि रणवीर चावल का शौकीन है नहीं, मैं ही चावल खाती हूँ। इसमें से मैं दे दूँगी थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, और ये वाला है पूरा चिकन मैगी गरम मसाला का ये पाउडर, ये हल्का सा जीरा और धनिया का पाउडर, हल्का सा। देखो कोई भी खाने में थोड़ा चीनी लेना, खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ना, ठीक है। तो ये मसाला सब देने के बाद में इसमें थोड़ा मिक्स कर दीजिए अच्छे से। और इसी पे ना, देखो खाली मशरूम बनाना है तो आप मशरूम बना सकते हैं, आलू मशरूम बनाना है तो ये आलू मशरूम बना सकते हैं। ये जो आलू मैं धो के रखी ना, ये इसी में दे दूँगा क्योंकि मशरूम तो तुरंत गल जाएगा लेकिन आलू नहीं गलेगा। फिर इसको क्या करना है, इसको दे के छोड़ देना ताकि ये अच्छे से सीख जाए, ठीक है। इसको स्टीम कर दे, बस 5-10 मिनट इसको छोड़ दीजिए, ये आराम से
तब तक आलू भी गल जाएगा। उसके बाद जो है मशरूम जो मैं ये देख अब ये मशरूम जो है इसमें मैंने इतना सारा नमक डाला है, ठीक है। नमक देने का रीज़न है क्योंकि ये देसी मशरूम है, विदेशी मशरूम है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं क्योंकि ये तो खुद से उगाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको मैंने नमक पे दे दिया कि नमक पे देने से क्या है कि अगर मान लो कोई जानवर या कोई चीज़ मुँह मारा रहता है या कोई कीड़ा मकोड़ा रहता है वो मर जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मशरूम, ऐसे एक समय था जब मेरे को मशरूम बहुत पसंद था, लेकिन मेरे को मशरूम अभी भी पसंद है मगर देसी वाला मशरूम पसंद है, मतलब जो अगस्त में अभी सावन में जो उगेगा ना, पुआल छत्तू, हम लोग झारखंड में छत्तू बोलते हैं, छत्तू पुआल छत्तू, बालू छत्तू, उसके बाद आपका ये गुटका, ये सब मेरा फेवरेट है। इस बार मैं बना के आप लोगों के सामने शेयर करूंगी और खाने में इसके सामने मटन मुर्गा सब फेल और प्राइस भी इसका वैसा, इतना टेस्टी होता है ना, मैं यार मेरे चैनल पे आप लोगों को देहाती स्टाइल का खाना बहुत मिल जाएगा क्योंकि अपन झारखंड से बिलोंग करते हैं, मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, आप लोग समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं खाना बनाने में सुस्तखोर भी हूँ, मेरे को नहीं मन करता कुछ करना, मेरे को मन करता मैं बैठे रहूँ, मेरे को कुछ कर दे क्या करूँ, करना पड़ेगा। चलिए ये जब तक हो रहा है तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, ठीक है। आफ्टर ऑल 12 बज गया, जा रही हूँ सोने, मेरे को नींद आ रहा है तो सोची थोड़ा सा खा लूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा। उधर गाना बज रहा है, गर्मी भी वैसे ही है, अब मेरे पास थोड़ा सा ब्लैक बच गया है, अभी थोड़ी देर सोएंगे, इतना बड़ा टुकड़ा खाई हूँ, सॉरी इतना बड़ा, इतना बड़ा भी खा जाऊंगी अभी, इतना मन कर रहा मेरे को। बस अब 2-4 दिन बाद मेरे ब्लैक ख़त्म हो जाएगा, चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर मिलते खाने के टेबल पे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं नहा धो ली हूँ, सारा काम मेरा हो गया है, बस अब किचन का काम करना है, मतलब नाश्ता पानी खाना पीना यही सब करना है। हाय, कोई मेरे को करके दे देता मैं बैठ के खाती, क्या ही बोलूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाने वाली नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन पता नहीं खाना कैसे बनाएगी, धोया धोई, इसीलिए नहीं रखती किसी को। हो गया मेरा सब कुछ, अब नहा धो ली हूँ, बाल को मोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे को किचन में बाल खुला करके काम करने का आदत शुरू से नहीं है, क्या बाल बाल झड़ता है ना, खाने वाने में आएगा इसलिए। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, देखिए मैं बनाऊँगी मशरूम, मशरूम की सब्जी बनाऊँगी, और साथ में है पालक साग, ठीक है, पालक साग बनाऊँगी और फिर पराठा बनाऊँगी, ठीक है। तो ये नाश्ता भी करूँगी, करने के बाद में फिर थोड़ा सा शॉर्ट्स बना लूँगी, ऐसे ही करके टाइम निकाल निकाल के अपना करती हूँ जैसे भी करके। तो चलिए मैं नाश्ता स्टार्ट करती हूँ बनाना। अगर मैं इसको बना रही होंगी तो अगर होगा तो इसकी वीडियो डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं चलिए मैं आज का अपना काम, और आप लोग भी मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। मैं ऐसे करके भी बना सकती थी लेकिन मैं सीधा करके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशरूम भी बन गया, खा भी लिए, वीडियो भी नहीं बनाए, इतना नींद आ रहा था। आइए मैं खरबूजा काट रही हूँ, आप लोग खरबूजा खाइए। इधर रनी चॉपिंग कर रहा है, मैं इधर करूँगी, थक जाते हैं यार कर कर के। खरबूजा लेकर के आई थी, आम भी रखा हुआ है, तभी खरबूजा खाएंगे, फिर मैं ये मिर्ची वगैरह इस सब का डंडा हटाऊंगी, छीलूंगी, उसके बाद में फिर प्रिपरेशन आप लोगों को होगा तो थोड़ा बहुत आज दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं मोबाइल पकड़ती नहीं हूँ 2 से 3 घंटा, उसके बाद दुकान में तो बिल्कुल भी नहीं दिख पाता, ठीक है। चलिए खरबूजा खाते हैं, मस्त मीठा मीठा खुशबू आ रहा है। हाय फ्रेंड, बहुत दिन बाद मैं आज शॉर्ट में एक छोटा सा क्रंच का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा था और बहुत दिन से आप लोग ने ये वाला लुक, मतलब इधर के लुक को बहुत मिस किया होगा, इसलिए छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 10 बज रहा है, घर जाऊंगी, जाने के बाद बर्तन धोना है मेरे को, मैं बर्तन आजकल रात को ही धो के सोती हूँ, और सब करवर के सारा, उसके बाद फिर सो जाएंगे, 11 बजे बिस्तर में चढ़ेंगे, नींद आते आते वही थोड़ा देरी हो ही जाता है लेकिन नींद आ जाता है, सो जा रहे हैं आजकल जल्दी, छोटा सा ब्लैक है। ये बन रहा है, रणवीर गया है गाड़ी गैस छोड़ने, वो आएगा, अपन जाएंगे। आजकल यहाँ 11 बज जाता है, आइसक्रीम आइसक्रीम। थोड़ा सा भिंगा के खाने का टेस्ट अलग रहता है, अभी क्या है ना, ये 3 पार्ट में आएगा, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो ना कंच की वीडियो डालो, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी सबको तो मेरी सब वीडियो पसंद आ रही है, इतना खाओ दिखा खाओ,
एकाद का वर्ड्स है, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी मैं कंट की वीडियो नहीं बना सकती, मेरे चैनल में प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है पहला वाला। प्लीज़ मुझे क्या किसी भी क्रंचर को भी किसी चीज़ के लिए फोर्स ना करे, वरना जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। और मैं मानती हूँ टफ है क्रंच की वीडियो के अलावा आप लोगों की दूसरे चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा, लेकिन भाई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो मुझे हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। गुड नाइट, चलते हैं फिर, ये तीन पार्ट में कर देंगे, तीन जो भी है। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।